Namaste. Hello and welcome to Kalirang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And I wish you all a very, very happy new year, guys. I hope and pray ये जो नया साल है, जो 2023 है, वो आप लोगों के लिए बहुत सारी prosperity, खुशियाँ, good health, love आपकी जिंदगी में, divine union, marriage, you know, kids, जो भी, जिस भी तरीके की आप blessings अपनी life में चाहते हो, आपके लिए ये साल जो है, वो lucky रहे और आपके लिए लेकर आए. But yes, जैसे कि हमारा काम है, आपको guidance देना, and आप उस पे follow भी करेंगे, so जो भी हमारे रास्ते में obstacles है, hurdles है, वो हटेंगे, and I am going to be doing an overview of आप लोगों का 2023 जो है, वो कैसा होने वाला है, okay? So yes, मैं आपको सारे aspects के बारे में बताने वाली हूँ आज, that overall ये साल आपके लिए कैसा जाएगा, गणेश जी आपको क्या बोलना चाहते हैं, और बहुत सारे messages आप लोगों के लिए देखेंगे, आपके career के लिए, for your love life, for your spirituality, for your overall growth, well-being and angel guidance also. So चलिए, let's get started. Please tune into the frequency today. And yes, आज की energy जो है, जो मैं भी feel कर पा रही हूँ, it is a very, very high vibrational energy. एक बहुत major shift जो है हम लेने वाले हैं 2022 को, you know, close करके हम 2023 में जा रहे हैं. So जो भी हमारे lessons रहे हैं, जो भी हमारी learnings रही हैं, हम एक और साल उन सब चीजों के साथ आगे बढ़ने वाले हैं. And ये जो नया साल होने वाला है, we again get a clean slate to start again. So yes, be very mindful कि आप first day से एक beautiful routine, practices अपनी life के अंदर inculcate करें और उसको follow करें. And अगर आप अपने आप से commitment करते हैं, तो yes, उसको बिल्कुल भी you know, रखें, उसको मानिए, उसको believe कीजिए, and make sure you don't break that. Because खुद से किया हुआ जो वादा होता है, खुद से किया जो promise होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसको बिल्कुल for granted नहीं लेना होता है, right? So make sure you practice a lot of self-love, अपने लिए टाइम निकाले इस साल. एंड यस, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी ग्रोथ पे फोकस करें. हर साल यू नो, आपको गोल्स बनाने चाहिए. यू शुड मेक मंथली गोल्स, यू शुड मेक ईयरली गोल्स, कि आज हम यहाँ है ना लाइफ में, हमें एक और स्टेप ऊपर जाना है, एक और स्टेप ऊपर जाना है. क्योंकि जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं करोगे, जब तक आप ट्रूली यू नो अपनी सोल की ग्रोथ नहीं चाहोगे एंड उस पर वर्क नहीं करोगे, nobody else can come and do it for you, right? So aim for that this year. And yes, meanwhile, जो भी आपकी विशेज है, जो भी आपकी डिजायर्स है, जो भी आप अपनी लाइफ में भी चाहते हो पूरा हो, उस चीज के टुवर्ड्स भी यू नो मेक योर एफर्ट्स. प्रे टू गॉड. यस, भगवान को प्रे करने से हमारी जो तकदीर होती है, हमारी डेस्टिनी भी बदल जाती है, राइट? दैट इज द पावर ऑफ गॉड. सो यू कैन डू दैट. डोंट एवर फील हेल्पलेस और होपलेस इन योर लाइफ, बिकॉज यू ऑलवेज ऑलवेज हैव द डिवाइन पावर्स हु आर देयर विथ यू. ठीक है, उस एनर्जी में टैप इन कीजिए, अपने इनर वर्ल्ड में स्थिरता लाइए, पीस लाइए, एंड दैट्स वेर यू विल स्टार्ट टू ग्रो इन टू योर लाइफ. ओके, चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. सो प्लीज गो अहेड एंड चूज योर ग्रुप. जो भी ग्रुप आपको बुलाता है, आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है कि यस, मेरा 2023 जो है वो, उसकी एनर्जी ये होने वाली है, यहां से मुझे मेरी गाइडेंस मिलने वाली है, यहां से मुझे मेरे मैसेजेस मिलने वाले हैं, उस ग्रुप की एनर्जी से आप कनेक्ट कीजिए. एंड आई विल बी सीइंग यू एट योर रीडिंग. Group number one. Hello and welcome to your reading. First of all, wish you all a very, very happy new year. And I hope that आपको हर एक वो जो आपकी wish है, you know, जो आप चाहते हैं, जो आप तहे दिल से चाहते हैं, वो पूरी हो इस साल. Okay? चलिए, आपकी reading start करते हैं. So आपका जब master card निकला है, again, I did not pick this, मैं shuffle कर रही थी और ये card आपके लिए यहाँ पर गिरा है. You have the king of swords. And the king of swords is already a very, very powerful card, right? लेकिन आप लोगों की एक तो ये master energy में भी निकल कर आया, और इस deck का जो king of swords है, he all the way more holds double power. आपकी जो power है 2023 में, वो मुझे double होते हुए दिख रही है, okay? बहुत
एक इंटरेस्टिंग 2023 का जो वर्क प्ले होगा आप लोगों के लिए होगा, राइट? ओवरऑल मास्टर एनर्जी है, तो ये मास्टर एनर्जी के तौर पे जब हम देख रहे हैं, सो लॉट ऑफ पावर टू यू, राइट? लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपको इस साल रहेगा. जैसे 2022 में अगर आपका एक कंफ्यूज थॉट सिस्टम रहा होगा या ड्यूअलिटी रही होगी, यहां पर क्लैरिटी है. ओके, यहां पर आपको फाइनली किसी दो चीजों में या दो डायरेक्शंस में या अपने मेंटल माइंडसेट से ही आपको जैसे क्लैरिटी मिलेगी एंड आपको समझ आएगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो सीइंग अ लॉट ऑफ विजडम दैट विल बी एक्टिव विद इन यू. आपका क्राउन चक्र एक्टिव दिख रहा है मुझे यहाँ पे, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव रहेगा, आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे इस साल. उससे जो डिसीजंस आप मेक करोगे वो आपकी लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे. कुछ गेन्स होंगे आपको इस साल, मुझे पावर आता हुआ दिख रहा है, गेन्स होते हुए आपको चीजें आएंगी और आप ऐसी एनर्जी में रहोगे जहां पर आप चीजों को अट्रैक्ट कर पाओगे. मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा आपका, स्पिरिट से कम्युनिकेशन, स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेशन आपको बहुत क्लियरली मिलेगा, मैसेजेस बहुत मिलेंगे आपको 2023 में, जो हायर पावर्स से आप डाउनलोड कर पाओगे, चैनल कर पाओगे और उसके द्वारा जैसे यू आर टॉकिंग एंड यू आर अर्निंग मनी थ्रू दैट. आपकी आवाज से आप पैसे कमा रहे हो, अपने वर्ड से, अपनी जहां पर आप अपने शब्द, अपने इनर थॉट प्रोसेस, अपने पैटर्न को यूज करके उसको बाहर लेकर आ रहे हो. सो अ लॉट ऑफ पीपल हु जॉइंड ग्रुप नंबर 1 2023 में आपकी आवाज, जैसे किसी भी तरीके में आपका नजरिया बहुत जरूरी होगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको एक स्ट्रांग लीडर के तौर पे देखा जाएगा. ओके, एंड पीपल विल कम टू यू फॉर गाइडेंस एज वेल. एंड नॉट जस्ट दैट, आपकी आवाज मुझे यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है. सबसे एक्टिव यहां पर मेरे को आपका थ्रोट चक्रा दिख रहा है, जो बहुत बहुत वाइब्रेंट होगा एंड वो थ्रोट चक्रा को भी जो गाइडेंस मिलेगी जो वहां से आप चैनल करोगे विल बी फ्रॉम अबव. सो डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम अबव इज कमिंग फॉर यू. ओके, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती हूँ, मैंने गणेश जी से भी आप लोगों के लिए एक मास्टर कार्ड पिक किया है गाइडेंस के तौर पे. सो जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं वी ऑलवेज प्रे टू गणेश, राइट? तो उस तौर पे मैंने गणेश जी से भी गाइडेंस लिया है एंड आपके लिए यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है फॉर 2023, दैट इज सस्टेनेंस. ओके, एंड नंबर 7 ईयर. सो इस कार्ड में ना गणेश जी इज होल्डिंग अ प्लेट फुल ऑफ मोदक and he has a lot of fruits around him, flowers. So koi jisse koi apni glow kar raha hai, koi grow kar raha hai, koi abundant ban raha hai, kisi ke resources bahut zyada khul rahe hai. So aap logo ke liye ye jo 2023 gains, aapko cheeze aane wali hai aapki life ke andar. Okay, aapko bahut kuch gain hone wala hai and aap apni मुझे आप लेवल अप होते हुए दिख रहे हो, अपनी पर्सनालिटी में भी स्टेप अप होते हुए दिख रहे हो, अपनी ओवरऑल लाइफ. जैसे इस साल आपके लिए अपने घर को डेकोरेट करना, अपने आप को ब्यूटिफाई करना, सेल्फ केयर करना, हेल्दी खाना, अच्छा खाना, इस चीज पे, डाइट पे फोकस करना, वर्क करना, काफी आप लोगों के लिए क्रूशियल होने वाला है एंड दिस विल बी समथिंग दैट विल गो ऑन इन 2023 फॉर यू. ऑलराइट, एंड इसके अलावा मुझे प्रोस्पेरिटी आते हुए दिख रही है आपकी लाइफ के अंदर. जैसे कि मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने सही लाइफ पाथ से जुड़ेंगे, राइट? अपनी अपने सोल मिशन को जैसे आप फॉलो कर रहे हो, कंटिन्यू करोगे या उस डायरेक्शन में आपकी ऐसी ग्रोथ होगी, प्रोस्पेरिटी होगी, आप समझोगे एंड यू विल स्टार्ट पुटिंग समथिंग आउट देयर इन द वर्ल्ड दैट विल इन रिटर्न गिव यू अबंडेंस इन योर लाइफ, विल गिव यू सक्सेस, विल गिव यू प्रोस्पेरिटी एंड ये स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आएगा. वहां से मुझे दिख रहा है आपका स्पिरिचुअलिटी एक बहुत मेन थीम होने वाला है इस साल का. दिस इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी वेरी स्ट्रांग, लाइक एक कुछ बिगिन करना, कुछ स्टार्ट करना, और ज्यादा अपनी पावर को क्लेम करना, उस पे होल्ड करना, ओके, एनहांस करना, अपने आप को एनहांस करना, नई चीजें सीखना, नई नॉलेज गेन करना, इस तरीके की चीजें मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है. चलिए, आप लोगों के लिए मैं देखना चाहूंगी दैट आपका जो 2022 है वो कैसा गया है. ओके, सो दैट वी नो कि क्या कुछ हुआ है आपके 2022 में एंड फिर एक एक करके हम 2023 की भी रीडिंग करेंगे. ओके, Queen of Wands. Okay. All right. And we have Four of Pentacles. That is bottom of the deck energy. Okay. So yes, यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है that
कुछ चीजें रही हैं जो आपको टैकल करनी पड़ी है, ऑब्स्टिकल्स आपने डेफिनेटली यहाँ पे फेस करे हैं. ऐसा भी लगा होगा आपको 2022 में कि थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ आर हैंड्स, कुछ चीजें ना चाहते हुए, कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस ना चाहते हुए हमारे हाथ से निकल गए. ओके, लेकिन आप उसकी गहराई को भी समझे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स प्रेजेंट है. तो यहाँ पर जो पावर दिख रही है मुझे, वो बहुत मेहनत करके, बहुत अपने आप को रिफाइन करके यहाँ पर क्वीन की कोई पावर किसी ने क्लेम किया, और नेक्स्ट ईयर आप किंग की एनर्जी में स्टेप इन हो रहे हो, विच इज अगेन अ लेवल अप जो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है. ओके, 2022 में यहाँ पर काफी ऐसे लोग हैं जिनको एप्रिसिएशन मिला होगा, कुछ उन्होंने किया, आपको रिकॉग्निशन मिला होगा, आप किसी तरीके के पब्लिक आईज में आए होंगे, लोगों की नजरों में आए होंगे, क्योंकि आपने कुछ किया है जिसके लिए आपको रिकॉग्नाइज किया गया है. यहाँ पर आपको आपकी वाहवाही हुई है, आपकी तारीफ हुई है, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई कैन सी योर, एंड यू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड यू डन दैट राइट. काफी मुझे एक तरीके की ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहां पर 2022 यू हैड somebody who's come towards you के एक प्रपोजल के तौर पे, आपको एक ऑफर देने के तौर पे, आपको किसी तरीके का ऑफर यहाँ पर मिला है, जो अगेन आपने इस साल भी यू हैव मैनिफेस्टेड, इस साल भी आपने अट्रैक्ट किए चीजें अपनी लाइफ में, और आप अपने पावर में स्टेप इन हुए हो, कुछ ना कुछ आप लोगों ने अचीव किया है इस साल. आपकी जैसे मुझे ऑलरेडी ग्रोथ दिख रही है कि लाइफ के अंदर ग्रोथ हो रही है, राइट, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. एंड येस, आपको इस साल बहुत मैसेजेस भी आए होंगे कि अपने पैसों को, अपने फाइनेंसिस को आप थोड़ा सेव कीजिए, थोड़े अपने रिसोर्सेज को सेव कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, डोंट लेट थिंग्स सबके सामने सब कुछ आपको ऐसे एक प्लेट के ऊपर नहीं रखना है, आपको आपको अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करके रखना है, एक ऐसी चीज. और सेविंग्स का भी आपको इस साल मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, आपको बोला गया था दैट यू नीड टू सेव, प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी अपनी चीजों से केयरफुल रहिए, इस तरीके की एनर्जी. सो यस, आप काफी कुछ समझे हो और आपने इस टूवर्ड्स वर्क भी किया है, बिकॉज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स योर यू आर कनेक्टेड टू द ऑकल्ट साइंसेस, आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत डीपली कनेक्टेड हो, बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे होंगे, एंड जब आप सही पाथ से कनेक्ट हुए होंगे अपनी लाइफ के अंदर सही चीज से, तो वहां से आपको गेन्स भी मिले हैं, वहां से आपको एक रिकॉग्निशन ज्यादा दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए, मोर देन मनी आई विल से रिकॉग्निशन मिला है आपको आपके काम के लिए, आपको जाना गया है किसी चीज के लिए, आपकी आपकी एप्रिसिएशन हुई है किसी चीज के लिए, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. एंड काफी स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन करी होगी आपने इस साल के कैसे छोटी छोटी चीजों के थ्रू अपनी एनर्जी को चेंज किया जाता है, कैसे लाइफ के अंदर चीजें लाई जाती है. हमारे पास ट्रस्ट का कार्ड है, और यस, आपने सरेंडर भी सीखा होगा इस साल, आपने सीखा होगा दैट कैसे यूनिवर्स प्रोटेक्ट करती है, कैसे यूनिवर्स जो है वो हमारे फेवर में भी वर्क करती है. काफी कुछ लेसन्स आपने लर्न किए, और उस लेसन्स की वजह से आप बहुत रिफाइन हुए हो इस साल भी. ओके, एंड आपको एक स्ट्रांग डिवाइन प्रोटेक्शन है, देयर इज सम स्पिरिट गाइड, एंजल, गॉड एनर्जी, गॉडली एनर्जी, जो आप बहुत हाईली प्रोटेक्टेड हो. ओके, आपका ध्यान रखा जाता है, यू आर नॉट अलोन, और आपको बार बार आपको उस प्रोटेक्शन के अंदर आपको ग्रो कराया जाता है. और इस साल भी जिससे मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि आपकी एनर्जी इस साल ऐसी रही होगी दैट मुझे घर रहना है, मुझे ज्यादा सोशलाइज नहीं करना है, आई एम नॉट मच ऑफ अ पर्सन के मैं बाहर जाऊं, काफी कुछ जैसे आपने एक तरीके से आपकी सेल्फ जर्नी बहुत ज्यादा हुई होगी, पर्सनल टाइम, बहुत क्लोज नेट लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करना, उसके अलावा बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग नहीं करना. ठीक है, सोशल मीडिया प्रेजेंस मुझे दिख रहा है यहाँ लोगों के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे सोशलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पर नहीं दिख रही आपके लिए रही होगी इस साल. ओके, लेकिन यस, भगवान में, एक हायर पावर में, यूनिवर्स में ट्रस्ट करना और आगे बढ़ना आप लोगों ने सीखा होगा इस साल के लिए. यस, एंड यू हैव डिवाइन गाइडेंस, यू हैव प्रोटेक्शन. इस साल आपको एहसास हुआ होगा किसी तरीके का कि यस, मेरे साथ जो है भगवान की एनर्जीज वर्क कर रहे हैं. बार बार आपको ये मैसेज आप तक पहुंचाया गया होगा दैट यू आर नॉट अलोन. ओके,
काफ़ी लोगों की यहाँ पर एज मुझे यू नो 34-35 दिख रही है, थोड़ी मच्योर्ड एज एनर्जीज भी हैं यहाँ पर, एंड बिकॉज ऑफ विच आपने पेशेंस बहुत सीखा होगा, आपकी लाइफ बहुत चेंज होती होगी, काफ़ी बदलाव इस साल भी आपने अपनी जिंदगी में देखे होंगे कि मेजर इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें मेजरली चेंज होना लाइफ के अंदर, यू नो चेंज होते रहना, स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है लाइफ के अंदर 2022 में आपने एक्सपीरियंस किया होगा. ओके चलिए अब आप लोगों के लिए देखते हैं दैट आप लोगों का जो 2023 है उसके लिए एंजल्स और गॉड हमें क्या बताना चाहते हैं, स्पेसिफिकली आपके करियर को लेके देखेंगे. ओके ऑलराइट 2023 मेरे ग्रुप नंबर वन का कैसा जाने वाला है करियर वाइज. ओके ओके टू ऑफ माइकल. ऑलराइट ओके यू हैव द जस्टिस. नाइन ऑफ वांड्स. ओके बॉटम ऑफ द डेक में आया है. ऑलराइट ओके सो इट सेज इट विल ऑल बी बेटर इफ यू जस्ट मेक अ डिसीजन. ओवर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज. सो येस जो मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही एनर्जी मास्टर एनर्जी में बोल रही थी कि कुछ ड्यूअलिटी है, जैसे एक काम को छोड़ के दूसरे काम में जाना, राइट एक वर्क फील्ड को छोड़ के दूसरी वर्क फील्ड में जाना, एक जॉब को छोड़ के खुद का बिजनेस स्टार्ट करना या बिजनेस के साइड साइड कुछ और भी करना, फैमिली बिजनेस के साथ रह के कुछ ड्यूअलिटी है जिस चीज को लेकर आपको बहुत एक यू नो डाउट रहेगा. एक एक ऐसे दो रास्ते होंगे जो आपको एक रास्ते चूज करना पड़ेगा एंड आप करोगे, यू नो वो 2023 के अंदर जो है वो मुझे एनर्जी आप लोगों के लिए क्लियर होते हुए दिख रही है कि आपको फाइनली क्लैरिटी आएगी कि आपको करना क्या है, आपको गाइडेंस मिलेगी कि कहाँ जाना है, क्या आप वे करोगे. यू विल बी वेइंग टू ऑप्शंस कि ये ऑप्शन मेरे लिए ज्यादा बेटर है या ये ऑप्शन मेरे लिए ज्यादा बेटर है, एंड देन यू विल बी पिकिंग वन थिंग. क्योंकि कुछ ड्यूअलिटी ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है, बट वो चीज जैसे क्लियर होती हुई दिखेंगी आपके सामने, जैसे दो रास्ते खुलेंगे, दो पाथ्स होंगे, ऑप्शंस होंगे, मल्टीपल चीजें होंगी, काफी ड्यूअलिटी है आपके करियर की एनर्जीज में. स्टेबिलिटी से ज्यादा मेरे को यहाँ पर चेंजेस, यू नो मूवमेंट दिख रहा है, बट वो चीज के टूवर्ड्स आप एक यू नो फॉरवर्ड मूवमेंट, एक पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट ढूंढेंगे. मैं यहाँ पर एक और कार्ड पिक करना चाहूंगी आप लोगों के लिए कि फाइनली ये जो आपका कंफ्यूजन है या जो आपके दो रास्ते या दो चीजों के लिए जो आपके पाथ खुलेंगे उसका कंक्लूजन क्या होने वाला है 2023 में आपके लिए. ओके थ्री ऑफ कप्स. ओके सो यस इन द एंड एक यू नो फेयर कॉम्प्रोमाइज जो है, जो एक फेयर चीज है, आप चूज कर पाओगे, आप अपनी बेटर ऑप्शन को पिक कर पाओगे, एंड वॉट एवर यू पिक यू विल बी हैप्पी इन दैट. इट विल गिव यू सैटिस्फैक्शन बिकॉज आप बहुत एनालाइज करके, बहुत सोच समझ के चीजों को फिर आप यू नो एक डिसीजन मेक करेंगे, एंड उस डिसीजन के अंदर जैसे मेरे को दिख रहा है दैट यू विल बी हैप्पी. कुछ लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे यहाँ पर, वो इमीजिएट आपके फ्रेंड सर्कल हो सकता है या आपका एक कलीग्स के साथ एक बहुत अच्छा रैपो बन सकता है. कुछ लोग मुझे आप सोल फैमिली से आपसे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, एंड यू नो एक अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप्स आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है, सपोर्टर्स आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, जो यू नो जिसकी वजह से आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी. दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग इज कमिंग आउट फॉर यू. सो ओवरऑल वर्क सिचुएशन, येस यू विल बी प्रेजेंटेड विद टू थिंग्स और चूजिंग, बट यू विल बी एबल टू चूज प्रॉपरली, एंड जो आप प्रोसीड करोगे इट विल गिव यू हैप्पीनेस एंड सैटिस्फैक्शन ऑल्सो. ये भी आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है. चलिए अब आप लोगों के लिए देखते हैं दैट ओवरऑल आप लोगों के लिए हेल्थ के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है फॉर 2023. समथिंग नीड्स टू बी वर्कड अपॉन या क्या होने वाला है, यू नो लेट्स सी फॉर यू. ओके यूज योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज. यू आर हीलर्स माई लव. माई ग्रुप नंबर वन, बहुत स्ट्रांग आप लोगों में हीलिंग एनर्जीज है. हीलर्स है बहुत सारे इस ग्रुप के अंदर. मैजिकल पावर्स है आप लोगों के अंदर. बहुत सारी चीजें है जो आप कर सकते हो. यू नो यू आर नॉट अ लिमिटेड बींग एट ऑल.
एंड आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको एनकरेजमेंट मिलेगा, राइट, सपोर्ट मिलेगा कि आप हीलिंग वर्क करो. कैसे? आपको बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स ऑफ गॉड्स जैसे आपको गाइडेंस देंगे कि यू नो आप आगे जाइए, हीलिंग वर्क कीजिए, स्पिरिचुअल वर्क कीजिए. आपको बार बार गाइडेंस आएगा. और मुझे यहाँ पर आप एनिमल्स से जुड़ते हुए भी दिख रहे हो, नेचर से जुड़ते हुए दिख रहे हो. जैसे आप यू नो इस साल बहुत एक्टिव रहेंगे टूवर्ड्स हेल्पिंग एनिमल्स. मुझे हेल्थ अपनी से ज्यादा दूसरों की हेल्थ, दूसरों का लाइफ को इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हो. मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज दिख रहा है. एंड यू हैव द एम्परर. सो ओवरऑल आपकी हेल्थ मुझे स्टेबल दिख रही है. दैट इज वाई सी, अगर खुद आप लोगों को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप किसी की मदद भी नहीं कर पाओगे. यू विल नॉट बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड टू हेल्प पीपल ऑल्सो. बट आप लोगों की हेल्थ मुझे स्टेबल दिख रही है इस साल. एंड दैट इज द रीजन आप एक हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करोगे वेर यू विल हेल्प अदर्स. आप मेंटली या फिजिकली दूसरे लोगों की मदद करने वाले हो 2023 में. बी एट डॉग्स, बी एट आपके घर वाले हैं, आपके आपके पेट्स हैं, आपके यू नो फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, या आपकी एक कम्युनिटी है, आपके क्लाइंट्स हैं. आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज से वो एक्सटेंड करोगे और आपको एनकरेजमेंट भी मिलेगा स्पिरिट गाइड से टू डू सो. बिकॉज आपको ये करना है, यू हैव द एबिलिटी टू डू इट. तो आपको आपसे ये करवाया जाएगा कि आपके द्वारा लोगों की मदद और उनकी हीलिंग हो. उनको कोई यू नो इंटरनली इमोशनली उनको कोई चोट लगे तो आप हेल्प करो. यू नो फिजिकली अगर आप लोगों की मदद कर सकते हो करो. बट येस इस यू नो 2023 में ये एनर्जी बहुत वाइब्रेंट आप लोगों के लिए हो जाएगी. ओके चलिए लेट अस सी और क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए. कुछ लोगों के लिए मेरे को एक चैनल मैसेज आ रहा है तो मैं हेल्थ के लिए यहां पर दूंगी. आप लोगों को ना अपने नीज का ध्यान रखना है, अपने पैरों का थोड़ा ध्यान रखना है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको इस साल थोड़ा सा प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर नीज, रिलेटेड टू योर लोअर बॉडी मुझे दिख रहा है. थोड़ी कुछ लोगों के लिए मुझे स्पाइन से रिलेटेड भी इशूज दिख रहे हैं, बैक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, बट मोस्टली लेग से रिलेटेड. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. ओके टेक केयर ऑफ दैट, स्ट्रेंथन कीजिए उस चीज को. आपके लिए यहां पर आ रहा है. ओके ओके यू हैव द फर्टिलिटी योर. सो जो नेक्स्ट एस्पेक्ट मैं आप लोगों के लिए चेक कर रही हूं दैट इज स्पिरिचुअलिटी. ओके एंड यू हैव इनफाइनाइट सप्लाई. सो सी यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल योर टुमॉरोज. ओके सो यू नो इस ग्रुप के लिए मुझे यहां पर दिख रहा है दैट आप लोगों को ना एक डर लगता होगा, एक फियर रहता होगा कि क्या हमारे रिसोर्सेज हमारे लिए इनफ होंगे, हमारी फैमिली के लिए इनफ होंगे, हमारे सर्वाइवल के लिए इनफ होंगे. क्योंकि यहाँ पर यू नो इस तरीके की चीजें दिख रही है मुझे. काफी लोग जैसे आप लोगों पर डिपेंडेंट हो, आप लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो काफी चीजों की, और आपको डर लगता हो कि वॉट इफ वी रन आउट ऑफ रिसोर्सेज, वॉट इफ वी रन आउट ऑफ थिंग्स. तो आपको कहीं ना लैक की बहुत ज्यादा फील होती होगी एनर्जी, और आप उससे बहुत फंक्शन करते हो कि थोड़ा ज्यादा होल्ड कर लो, स्टॉक कर लो, ज्यादा ले लो. आपको हमेशा ऐसा फील होता रहता है दैट चीजें खत्म हो जाएंगी. व्हाट इफ वन डे मेरे पास ये चीज नहीं रहेगी, या मेरी किसी यू नो इमीडिएट फैमिली मेंबर को, या मेरे किसी नियर एंड डियर वन लव्ड वन को कोई जरूरत हो और मैं ना प्रोवाइड कर पाया या कर पाई तो क्या होगा. आपको इस तरीके के फियर्स आते होंगे. ओके बट आपको बोला जा रहा है यू आर सप्लाइड फॉर ऑल योर टूडेज एंड टुमोरोज. तो आपको आपको एक रीअश्योरेंस यहाँ पर जैसे स्पिरिट गाइड्स देना चाह रहे हैं दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ यू. एट द एंड ऑफ द डे आप मत भूलो कि आपके साथ कोई मिरेकल भी हो सकता है व्हेन यू नीड इट. यस कभी कभी कोई रास्ते नहीं दिखते हैं, कभी कभी बहुत चीजें ऐसी होती है जब हमें लगता है कि अब क्या करें, अब तो सब खत्म हो गया, बट वहां पर ही तो मिरेकल होगा आपकी लाइफ के अंदर आके. सो उस लेवल का फेथ यू नीड टू कीप इन गॉड एंड डोंट एवर फॉरगेट दैट सेल्फ. ओके वी आर फ्लावरिंग योर. ओके सो आप लोगों के लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल टाइम होने वाला है 2023 टू स्टार्ट समथिंग न्यू, किसी न्यू तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रूटीन. यू नो एक तरीके से आप कुछ सीखना चाहते हो, आप कुछ सिखाना चाहते हो, यू नो या आप मुझे बहुत लोगों में यहाँ पे एनर्जी आ रही है जैसे आप फुल टाइम स्पिरिचुअल करियर्स में अपना एक
एक रास्ता ढूंढ कर बनाना चाहते हो, वहीं पर सेटल होना चाहते हो, दिस ईयर इज एक्सेलेंट फॉर यू टू डू दैट. ओके, सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके कोई न्यू आइडियाज है या आपकी कोई चीज है जो आप ग्रो करवाना चाहते हो. काफी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर अपने आप से किया हुआ काम, बिजनेस, जॉब, कोई नए आइडियाज को आप बर्थ देना चाहते हो. दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सेलेंट ईयर टू डू दैट बिकॉज आपको काफी सपोर्ट मिलने वाला है यूनिवर्स से. ओके, बिकॉज आपकी पर्सनल पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि वो चीज आपकी बहुत फलेगी. ओके, न्यू कंडीशंस को भी आप बर्थ दे सकते हो इस साल. फॉर एग्जाम्पल कि कुछ बहुत एक सेम तरीके की मोनोटोनस चीज आपकी लाइफ में चलती जा रही है या सालों से एक सिचुएशन चलती जा रही है, यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ. सो दिस इज द ईयर वेयर आप जो चेंज लाने की कोशिश करोगे वहां यूनिवर्स से आपको सपोर्ट मिलेगा वो चेंज लाने के लिए. आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे होती हुई दिख रही है इस साल 2023 में, एंड यू विल स्टेप इन टू योर पावर. आप पावर में स्टेप होते हुए दिख रहे हो मुझे, अपनी फुल पावर में, जहां पर आप क्लेम करोगे, यू विल नो वॉट सेल्फ लव इज, यू विल नो वॉट पावर इज, यू विल मेको ट्रू एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है. एंड एम्परर, वी हैव द एम्प्रेस एंड द एम्परर हियर, सो डिवाइन कपल इज प्रेजेंट इन योर रीडिंग. अगेन वी हैव अ क्वीन एंड वी हैव द किंग हियर टू, सो दो डिवाइन कपल्स हमारे पास यहाँ पर रीडिंग में प्रेजेंट है. 2023 कुड बी रियली लकी फॉर यू इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ मैरिज, इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग योर पार्टनर, सेटलिंग डाउन, फाइंडिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट एंड कमिंग इन टू यूनियन विद देम एज वेल. ये बहुत फ्रूटफुल ईयर. मुझे बहुत लोगों की शादी दिख रही है इस साल आप लोगों की होते हुए, मैरिज, सेलिब्रेशन, फर्टिलिटी आते हुए, सो कंसीविंग, हैविंग बेबीज, न्यू चीजें स्टार्ट करना, कुछ आपकी लाइफ में ना 2023 में एक बहुत ब्यूटिफुल एक नई चीज शुरुआत होगी आपकी लाइफ के अंदर. समथिंग बिग आप इस साल एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है, इस तरीके की चीज. एंड स्पिरिचुअली भी मुझे आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो यहाँ पर, वेरी वेरी स्ट्रांग एनर्जी ऑफ ग्रोथ योर. ओके, यस, आप लोगों के लिए ना मुझे बहुत ऐसे फ्लरिशिंग एनर्जी दिख रही है, जैसे आप बहुत लकी भी रहोगे फॉर योर पार्टनर, फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, यू आर गोइंग टू बी वेरी लकी एज वेल. लाइक आपके कदम पड़ेंगे ना, सो यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ गॉड और अ गॉडेस, एंड आप बहुत लकी हो गए उनके लिए. ये भी दिख रहा है, बहुत मैजिकल एनर्जीज आपको सराउंड करने वाली है 2023. एंड इनर, अंदर से जैसे कोई फुल ब्लूम के अंदर आ रहा है स्पिरिचुअली भी. मुझे, मैं आपको बोल रही थी, आपका क्राउन चक्र ओपन अप होते हुए दिख रहा है मुझे इस साल. आप फुल ब्लूम में दिख रहे हो, इल्यूमिनेटेड दिख रहे हो मुझे. आपका ऑरा चेंज होने वाला है, वेयर पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट टेलिंग यू कि अरे यू आर लुकिंग वेरी डिफरेंट, आपने क्या किया है, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका इट्स योर एनर्जी, इट्स योर ऑरा. एंड वो जो आप ग्रो करते जा रहे हो वो इंटरनली इतनी ग्रोथ होने वाली है दैट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग आउटवर्डली, वो आप लोगों के लिए होने वाला है. और बहुत एक लकी टाइम आप लोगों के लिए भी दिख रहा है कि आप किसी भी चीज को, प्रोजेक्ट को टच करेंगे वो फ्लरिश करेगा, वो ग्रो करेगा. दैट्स वाई आपको बार बार बोल जा रहा है आपकी हाथों में कुछ मैजिकल पावर्स है. आप यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ईयर. काफी मुझे रेकी से भी कनेक्टेड यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, हीलिंग से कनेक्टेड काफी लोग दिख रहे हैं, थीटा हीलिंग भी मुझे बहुत वाइब्रेंट आ रही है. जैसे आप बहुत खिंचे चले जाओगे टुवर्ड्स ब्रेन वेव्स एंड थीटा हीलिंग, एंड कैसे हील करते हैं, माइंडसेट कैसे चेंज करते हैं, एफर्मेशंस लेते हैं. यस, आप इन चीजों को और गहराइयों से समझोगे और अप्लाई करोगे ना, आपको अपनी जिंदगी में जो है वो चेंजेस होते हुए दिखेंगे यहाँ पर. ये भी आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग आ रहा है. चलिए अब आप लोगों की लव लाइफ देखते हैं 2023 में. हाउ is your love life going to be? Spirit guides हमें क्या बताना चाहते हैं. ओके, ओके, सो लव लाइफ, what is going to happen in the love life of my group number 1 in 2023? Okay, you have the energy here, and look at the card. Look at the card. What was I telling you? I'm shuffling right in front of you. It says true love. It says true love. And I'm so, so happy for you guys. My God. Yes. इंक्रीज दिख रहा है आप लोगों की जिंदगी में, जैसे आप बिल्कुल अपनी डेस्टिनेशन के टूवर्ड्स चलते जा रहे हो. एंड नाउ इज द टाइम 2023 में, जैसे आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपकी मेहनत के आपको फल मिलेंगे. एंड यस, ट्रू लव की एनर्जी है यहाँ पर. मैरिज में आपको जैसे बोल रही थी, डिवाइन कपल्स, यूनियन होना, उस इंसान से फाइनली मिल जाना जिसको आप ढूंढ रहे थे, एक बहुत स्ट्रांग हेल्दी रिलेशनशिप होना आपकी लाइफ के अंदर, जो फ्यूचर विच इज वेरी प्रॉमिसिंग ऑफ द फ्यूचर, जो मैरिज तक भी कन्वर्ट हो सकता है. लाइक आई एम सीइंग फॉर अ लॉट ऑफ यू, यू स्टेप इनटू योर पावर, यू विल फाइंड दिस पार्टनर ऑफ योर्स. 2023 इज द ईयर फॉर यू. ओके,
Wow, you have the Knight of Wands. That is beautiful. जैसे मुझे, I'm hearing musical instruments, ढोल बजना, शहनाई बजना, क्योंकि आपने काफी टाइम से वेट किया है, पेशेंस रखा है, इतना काम अपने ऊपर किया है. बहुत लोग यहाँ पे ऑलरेडी अपनी पावर में हो, बस आपकी पावर्स और इंक्रीज होने वाली है. आप ऑलरेडी उस पाथ पे हो जहाँ पे आपने खुद के लिए चीजें करी हैं, आप इंडिपेंडेंट हुए हो, आपने लेट गो किया, आपने सरेंडर किया, उस सबके जो फाइनल रिजल्ट्स है ना, वो भी आपको 2023 में मेरे को मिलते हुए दिख रहे हैं. काफी लॉट ऑफ यू विल बी रिसीविंग एंड रीपिंग द रिवॉर्ड्स, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है. एंड जैसे ढोल शनाया बजना, काफी टाइम से शादी का वेट करना, किसी ट्रू लव पार्टनर का वेट करना, उनके साथ जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी. फॉर अ लॉट ऑफ यू आई एम हियरिंग प्रेगनेंसी एंड फर्टिलिटी टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. गुड न्यूज आपके लिए आना 2023 में, और किसी ऐसी चीज के लिए जो आप काफी टाइम से वेट कर रहे हो, काफी आपने अपने एफर्ट्स लगाए हैं, काफी आप दिल से आपकी सोल जैसे डांस कर रही है, खुश हो रही है, वो मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है. कोई गुड न्यूज आप लोगों के लिए आता हुआ, राइट? और कुछ लोगों के लिए मुझे फॉरेन ट्रैवल भी दिख रहा है, कि जैसे आप बहुत वेट कर रहे थे कि आपको बाहर जॉब मिल जाए, बाहर सेटल हो जाए, आपका कुछ अप्रूवल हो जाए, वो भी मुझे 2023 में आप लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रांगली होता हुआ दिख रहा है. सो काम बनेंगे, इट्स गोना बी अ वेरी पॉजिटिव ईयर फॉर यू, मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है आप लोगों के लिए. ओके, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या एनर्जी रहने वाली है 2023 में. एंड कोई गाइडेंस आता है तो वो भी मैम आपको बताऊंगी. ऑल राइट, कुछ लोगों के लिए चैनल मैसेज है विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ दिस ईयर आप लोगों के लिए एनर्जी चेंज होगी. एंड समबडी कैन जस्ट ऑल ऑफ अ सडन कम इन योर लाइफ, ऑल ऑफ अ सडन आपको ये गुड न्यूज मिल सकती है. 3 to 4 months ऑफ द स्टार्टिंग, मतलब कुछ बहुत मेरे को स्टार्टिंग में ही काफी कुछ शिफ्ट आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर. ओके, Yin, okay, embracing the divine feminine within you. मेरे को यहाँ पे divine feminine, divine masculine energies इतनी strong आ रही है आप लोगों के लिए. एंड काफी शाइन करोगे आप, लाइमलाइट में आओगे 2023 में किसी चीज की वजह से. देर विल बी समथिंग, यू कुड बी रिकोगनाइज फॉर योर वर्क. आपकी कोई, आप सोशल मीडिया पे तो आपकी वीडियो कैन गो वायरल, आपको बहुत रिकोगनेशन मिले, आपको बहुत लोग जैसे पहचाने, क्योंकि आप जो है ना अपनी एक, आप अपने अंदर एक बैलेंस लाओगे इस साल में, और वो बैलेंस की वजह से आपकी लाइफ में वो लाइफ आपकी जो है वो कंप्लीट होनी शुरू हो जाएगी. ओके, आई कैन सी मुझे कुछ लव रोमांस बडिंग आप लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है. यस, मतलब एक आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत वाइब्रेंट हो रही है यहाँ पर इस साल के अंदर. ओके, एंड मूव, माय गॉड, ग्रुप नंबर 1, दिस ग्रुप इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल यूनियंस, मैरिज, अकेलेपन से आगे बढ़ जाना जिंदगी में, उस शख्स से मिल लेना जिसको आप मिलना चाहते थे, उस यूनियन में आना, उस पार्टनरशिप में आना, एक सॉलिड कमिटेड रिलेशनशिप होना, कोई एक ऐसा इंसान आपको मिल जाना जो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, जो आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ेगा आपके साथ लाइफ के अंदर, राइट? वो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रांग एनर्जी आप लोगों के लिए दिख रही है 2023 में, जैसे यू गाइज शुड डेफिनेटली गेट अलाइंड विद दिस एनर्जी, बिकॉज आपके लिए ये चीज ऑलरेडी ब्रह्मांड में बन चुकी है. एंड इट कैन बी गिवन टू यू यू आर ओपन टू रिसीविंग, बी वेरी ओपन टू रिसीविंग दिस एनर्जी इन टू योर लाइफ. बट बहुत लोगों के लिए आप एक गुड न्यूज मुझे दिख रही है, वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज आई एम सीइंग योर, एंड स्पेशली मैरिज से रिलेटेड ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए दिख रही है, पार्टनरशिप दिख रही है, एक बहुत फ्रूटफुल पार्टनरशिप, हीलिंग दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है आप लोगों के लिए मुझे लाइफ के अंदर आते हुए 2023 में. ऑल राइट, अब एंजल्स से देख लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या बोलना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए 2023 की गाइडेंस के तौर पे. अगर कोई चीज है जो आपको वर्क करने की जरूरत है, आपको किसी चीज का हिंट दिया जा रहा है, लेट्स सी क्या बोलना चाहते हैं हमारे एंजल्स. ब्रेकिंग ट्रेल, क्या बोलना चाह रहे, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड. यस, बार बार हमें क्या इंडिकेशन दी जा रही है, लव फ्लोस थ्रू यू एंड टू यू. ये तो सबसे ज्यादा क्लियर इंडिकेशन हमें स्पिरिट गाइड्स ने ही दे दिया, और हमारी पूरी रीडिंग को साथ में टाई कर दिया है ये ब्यूटिफुल सा कार्ड हमें देके, कि आपके पास तो लव आ रहा है. आर यू रेडी, आर यू ओपन फॉर इट? बिकॉज एक ब्रेक थ्रू आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर. 2023 इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग ईयर फॉर यू. आप लोगों की जिंदगी में एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा पलटाव आने वाला है, दैट विल इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, इन अ वेरी गुड वे, जो आपकी कंप्लीटली
यू नो जो आपकी लाइफ स्टोरी है, जो आपकी जर्नी है, उसको बदल के रख देगा। एक कंप्लीट टर्न मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी में यहाँ पे आता हुआ। जैसे यू नो कोई बहुत टाइम से खोद रहा है यू नो खजाना ढूंढ रहा है, फाइनली उसको वो खजाना मिल जाना, फाइनली उसको वो चीज मिल जाना, वो मुझे आप लोगों के लिए 2023 की एनर्जी दिख रही है। ऑल राइट, सो ऑल एंड ऑल आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी डूइंग दिस रीडिंग फॉर यू, एंड लेट मी सी अगर मुझे आप लोगों के लिए कोई एडिशनल मैसेजेस आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया मुझे फर्स्ट 3 to 4 months बहुत कुछ शिफ्ट आते हुए दिख रहे हैं काफी लोगों के लिए। इसी टाइम में आपके काफी काम बनेंगे, आई कैन सी। आप लोगों के लिए मार्च एंड अप्रैल आर वेरी इंपॉर्टेंट मंथ्स। आप लोगों के लिए जुलाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। ठीक है, जुलाई यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मंथ आप लोगों के लिए दिख रहा है। ऑलराइट, ओके, एंड यस, आपको एक और चीज बोली जा रही है, एंजल्स आपको काफी मैसेजेस भेजने वाले हैं। ओके, तो उसको सुनने के लिए रेडी रहिए, और आप काफी एनर्जीज मिरर करोगे इस साल। सो समटाइम्स यू स्टार्ट फीलिंग कि दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं, ये तो यू नो ये कहां से चीजें हो रही है। सो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट्स को मिरर कर रहे होंगे, आप अपने ट्विन फ्लेम को मिरर कर रहे होंगे, तो आपको ये समझना है एंड हील करते जाना है अपने आप को, उन चीजों पर वर्क करते जाना है। मुझे बहुत आप लोगों के लिए ओवरऑल एक बहुत फ्रूटफुल ईयर दिख रहा है, एक बहुत ब्यूटीफुल ईयर आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। एंड यस, आई पर्सनली होप एंड प्रे दैट आपकी जिंदगी में यू नो खुशियां आए, गुड हेल्थ आए, अबंडेंस आए, पीस आए, प्रोस्पेरिटी आए, ट्रू लव आए, शादी आए, यूनियन आए, यू नो हर तरीके से आप ग्रो करो अपनी जिंदगी में। एंड यस, आपकी जो जिंदगी है, आपकी जो पूरा 2023 है, वो खुशियों से भर जाए। ऑलराइट, सो कैसी लगी रीडिंग आपको ये मुझे जरूर बताना। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई ऑल्सो हैव अ ब्यूटिफुल स्टार्ट टू दिस ईयर। रीडिंग ऑल योर comments, I love all of you guys so very much. Thank you so much for joining in this time. I will see you in my next video. Group number 2, hello and welcome to your reading. अगर आप इस ग्रुप की एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं, लेट्स सी आपके लिए 2023 कैसे होने वाला है, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है, एंड ओवरऑल आपके करियर में, आपकी लव में, आपकी हेल्थ में, आपकी ओवरऑल लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, एंजल गाइडेंस, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी आज रीडिंग के अंदर, बिकॉज दिस इज अ बम्पर 2023 एनर्जी रीडिंग फॉर योर एंटायर ईयर। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिटेल्ड एंड मैं आपको सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका जो मास्टर कार्ड था, आई गॉट द नाइट ऑफ कप्स फॉर यू। And yes, you know, Knight of Cups itself is a very, very beautiful card, right? Somebody is approaching, but इस deck के अंदर जैसे मुझे एक speed दिख रही है, you know, बहुत ready है एक, you know, जो Knight of Cups original Rider Waite में है, उन्होंने अपने हाथ में कप पकड़ा हुआ है, एंड द हॉर्स इज यू नो वॉकिंग वेरी नॉर्मली, वेरी स्लोली, राइट, एक अच्छी नॉर्मल पेस पे वो चल रहे हैं। यहाँ पर मुझे स्पीड दिख रही है, यहाँ पर मुझे जो कप है वो एक एक्सटेंडेड दिख रहा है, यू नो इन द फॉरवर्ड मोशन, जैसे एक और बहुत ज्यादा स्पीड में आपके टूवर्ड्स यहाँ पर मुझे चीजें आती हुई दिख रही है। एंड स्पेशली कुछ यूनिवर्स में यू नो जैसे आपके लिए कुछ बन के रेडी होकर फिर आपके टूवर्ड्स आना है। मुझे लव की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ में दिख रही है इस साल आते हुए। मुझे शादी का घोड़ा दिख रहा है, जैसे यू नो शादी में यू नो एक वाइट कलर की हॉर्स होती है ना, घोड़ी होती है, वो मुझे जैसे ये वाइब्स दे रहा है, सम धूला यू नो कमिंग। सो किसी तरीके का प्रपोजल आना आपकी जिंदगी में, यू नो फॉर सेटलमेंट, एक स्ट्रांग प्रपोजल आना, इवन इफ इट्स रिलेटेड टू वर्क आपकी लाइफ के अंदर, जो हम देखेंगे अभी, कुछ एक सॉलिड प्रपोजल आपकी लाइफ के अंदर मुझे आता हुआ दिख रहा है। ओके, लेकिन काफी मेजॉरिटी लोगों के लिए यहाँ पे मुझे इस साल आप लोगों के लिए लव बहुत एक्टिव होगा, मैरिज बहुत एक्टिव होगी, और आपको सूटेबल प्रपोजल्स मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ओके, वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, एंड ऑल्सो यू नो समथिंग दैट इज बीइंग क्यूरेटेड बाय द यूनिवर्स, यूनिवर्स में कुछ बनकर आपके लिए आ रहा है। यस, अगेन वी हैव द हायरोफेंट। मैं एक मास्टर कार्ड पिक कर रही थी, जब मैं शफल कर रही थी आप लोगों के लिए तीन कार्ड आए, सो आई टुक देम। ओके, एंड सी मुझे यहाँ पर डाउनलोड्स दिख रहे हैं, यूनिवर्सल डाउनलोड्स। 2023 में आपको बहुत रेवलेशंस होने वाले हैं, बहुत डाउनलोड्स होने वाले हैं। आप सीखोगे कि ये कैसे चीजें बनाई जाती है, कैसे चीजें अपनी लाइफ में लाई जाती है, कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, पोर्टल्स क्या होते हैं। आप बहुत डीपली जैसे इंट्रिकेटली, आपको क्या होगा ना,
you will gain something that you have manifested or you have asked for and you have followed some sort of a procedure in your life, वो चीज़ आपको मिलेगी, आपका faith इतना strong और intact हो जाएगा कि आप और उस चीज़ के towards और झुके चले जाओगे और उस चीज़ पे work करना शुरू कर दोगे. बहुत लोग यहाँ पे शिव जी से connect हो गए. आप 2023 में मुझे शिव की energy आ रही है, शिव पूजा की, शिवलिंग, आपका एकदम से मन करेगा शिव जी से related चीज़ों को पहन लेना, उस पे उससे कनेक्ट हो जाना. आप कहीं से भी हो, राइट, मुझे शिव की एनर्जी बहुत यहाँ पे स्ट्रांग देख रही है. जैसे शिव आपको बुलाएंगे अपने टूवर्ड्स, और शिव की एनर्जी आपको इतनी ज्यादा प्रभावित करेगी, बुलाएगी कि आप खींचे चले जाओगे, यू नो, ऑल ऑफ अ सडन. जैसे उनके मंदिर, उनकी वीडियोज के टूवर्ड्स, उनके बारे में पढ़ने के टूवर्ड्स, आपका मन करेगा मैं रुद्राक्ष पहन लूँ, मैं रुद्राक्ष पे जपूँ, मैं ओम नमः शिवाय करूँ, या मैं उनके मंत्र जपूँ, या मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा दूँ, कुछ होगा. देयर विल बी अ वेरी वाइब्रेंट masculine Shiva energy that will be vibrant and active within you in 2023. Okay? Yes. Mountains के towards again मुझे आप लोगों के लिए कोई रहस्य, कोई सीक्रेट जैसे अनलॉक होता हुआ. सो आप कुछ ऐसा देखोगे, आपको कुछ ऐसी नॉलेज हासिल होगी, डाउनलोड होगा, कहीं आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जाओगे. मुझे कुछ पहाड़ दिख रहे हैं, कुछ सिक्लूडेड जगहें दिख रही हैं जहाँ पर आप जाओ, एंड कुछ वहाँ पे आपका कुछ एक अवेकनिंग हो, कुछ रेवलेशन हो, या यू नो, आपके लिए कुछ स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत मेजर चीज़ होगी 2023 में. लाइक यू नो, अनलॉकिंग ऑल टूगेदर अ न्यू साइड ऑफ यू, अ न्यू पार्ट ऑफ यू. एंड यू हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स हियर, बट इस फोर ऑफ पेंटिकल्स में पेंटिकल से ज्यादा ना मिस्टिकल एनर्जी है. एक स्वान है और एक ही स्वान है, बट ये स्वान को देख के ना आई एम नॉट लाइक फीलिंग दैट बस ये यहीं पर है. आई एम फीलिंग लाइक शी इज लुकिंग फॉर समबडी. दिस स्वान, उसकी जर्नी, और या ड्रैगन फ्लाई है, तो बहुत एक यूनिवर्सल यू नो वॉच है पीछे, गाइडेंस है कि ये जो हमारी स्वान है, क्या सही डायरेक्शन में जा भी रही है या नहीं. ओके, सन है, मून है, बहुत ब्यूटीफुल एक एलिमेंटल बैलेंस है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आप लोगों का, आप लोग इस साल वास्तु के टूवर्ड्स, फेंग शुई के टूवर्ड्स, यू नो, ऐसी चीजों के टूवर्ड्स जहाँ स्पेशियल साइंस होता है, आपका बहुत खिंचाव होगा. बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी के टूवर्ड्स खिंचेंगे और उस चीज को परस्यू करेंगे अपनी लाइफ के अंदर. एंड मुझे यहाँ पर आपके जैसे कुछ ढूंढना, कोई खोज पे निकलना, ओके, कोई स्पिरिचुअल नॉलेज की खोज में निकलना, या फिर एक कोई ब्रह्मांड का कोई सीक्रेट को समझ लेना और उसको, उस चीज को लेकर कोई आपको रेवलेशन होना, कुछ आपको समझ आ जाए, कुछ टेक्निक आप फॉलो कर रहे हो, उससे आपका कुछ काम बन जाए और आपको फाइनली समझ आ जाए कि अच्छा इसका प्रोसीजर क्या है, ये कैसे करते हैं, ओके, हाउ डज दिस वर्क, यू नो. या आप एक, मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं, बहुत लोग घर बनाने की कोशिश कर रहे हो, सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहे हो, स्टेबिलिटी ला रहे हो, आपको समझ आ जाएगी कैसे होता है. हम ऐसे कोई रहस्य, ऐसी कोई चीज आपके, आपका कोई ऐसे काम 2023 में बनेगा जो आपको कुछ समझ आएगा, आपके लिए कोई एनर्जी वाइब्रेंट हो जाएगी. ओके, एंड यहाँ पर अपने इमोशंस से आगे बढ़ना, अपने रिजेंटमेंट से, अपने पास्ट से आगे बढ़ना और आगे बढ़कर फ्लो में आना जिंदगी में. 2023 इज दैट ईयर. जैसे काफी चीजें जैसे अपने अंदर अपने जकड़ के रखी हो, पकड़ के रखी हो, और एकदम से आपको रियलाइज होना कि ये सब क्या है, व्हाट एम आई डूइंग मेरी लाइफ में, ये अगर मैं अपने साथ होने देती हूँ या होने देता हूँ तो मेरी लाइफ कहाँ जा रही है और मुझे क्या मिल रहा है. एक यू नो दैट मोमेंट जब हम, हो सकता है किसी की बात सुने, या यू नो हमारे ड्रीम में एक दिन यू नो गॉड कम्स और वी फील समथिंग, या हमारे कोई एंसेस्टर स्पिरिट आके हमारी मदद करते हैं, यू नो दैट रेवलेशन जब एक दिन में जिंदगी पलट जाती है, ऐसा कुछ मोमेंट आपके लिए मुझे आता हुआ दिख रहा है इस साल. जब आपको एकदम से यू नो यू अंडरस्टैंड सम ट्रूथ अबाउट लाइफ, एंड जब आप वो सीख लोगे. कुछ लोगों के लिए मुझे आप डिटैचमेंट भी दिख रही है कि अरे नहीं चाहिए कुछ, ठीक है होने दो सब अपने टाइम पे. जैसे ही आप वो चीज हो, आपकी लाइफ बदले और वो चीज फ्लो होनी शुरू हो जाए, समथिंग लाइक दैट. यस, जैसे कुछ भी नया हम स्टार्ट करते हैं, हम गणेश जी की पूजा करते हैं, हम उनकी एनर्जीज इन्वोक करते हैं, हम बोलते हैं कि उनके बिना यू नो कुछ भी स्टार्ट करना अधूरा है. तो मैंने आपके लिए गणेश जी से गाइडेंस कार्ड भी लिया था फॉर 2023, एंड यहाँ पे रेवलेशन का ही कार्ड निकल कर आया है, विच इज एब्सोल्यूटली सपोर्टिंग आर मास्टर एनर्जीज योर. सो गणेश जी भी आपको यही कहना चाह रहे हैं दैट कुछ ढूंढोगे, यू नो आपको कुछ मिलेगा, आपको कुछ समझ आएगा, आपके अंदर की आवाज जैसे आपको कुछ बोलेगी, एंड वो इतनी एक
स्ट्रॉन्ग चीज आपके लिए होगी, दैट वो आपकी पूरी जिंदगी का कोर्स बदल के रख देगी, आपको वो सही दिशा में ले जाएगी चीज वेयर यू आर मेंट टू बी. ओके, लुकिंग फॉर समथिंग एंड फाइंडिंग इट इज द एनर्जी योर. ओके, समथिंग लाइक दैट. ऑलराइट, इस ग्रुप से बहुत मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आप लोग बहुत एक डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते होंगे, लाइक डीप मंत्रा मेडिटेशंस, डीप मेडिटेशंस, अपने यू नो अपने जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना, अपने पास्ट को समझना ताकि आप उसको प्रेजेंट पे वर्क कर सको. कुछ बहुत डीप हीलिंग्स आप लोग करते हो, नॉट नॉर्मल लेवल, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उस टाइम पे चीजें वर्कआउट करना, ब्रह्मांड की एनर्जी से चलना, मुझे इस ग्रुप के लिए बहुत यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है. ओके, ऑल राइट, वाव, यू हैव द टू ऑफ कप्स. ओके, लुक एट दैट, यू हैव द हाई प्रीस्टेस एंड हाई प्रीस्टेस हर्मिट बिलो दैट. ओके, यस, जो मैं आपको बोल रही हूँ, आप लोग खुद बहुत बहुत हाई लेवल के स्पिरिचुअल सोल्स हो, ऑकल्ट साइंसेस से कनेक्टेड हो सकते हो, कि कोई एक तो चीज आपको ऐसी आती है जो दूसरों से बहुत हटके एंड स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है, जो सिर्फ आप जानते हो, राइट? आप बहुत लोग यहाँ पे प्रोफेशनली भी फॉलो करते हैं चीजें, यू नो, और कुछ मुझे यहाँ पर बुक्स लिखने की भी एनर्जी आ रही है. दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग इज ऑल्सो वेरी वाइब्रेंट. फियर, ओके, Assessing, all right. मैं एक और कार्ड पिक करना चाहूंगी यहां पर, फिर मैं आपको बताऊंगी. Ace of Swords. All right. Wisdom. Okay. ऑल राइट, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों ने इस साल बहुत ऐसे स्पिरिचुअल नंबर्स आप लोगों को दिखे होंगे, आपने देखे होंगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ दिखाया जा रहा था, आपकी शैडो बहुत दिखाई गई होगी आपको, कि लिसन, यू हैव दिस फियर्स एंड यू नीड टू हील देम. ये शैडोज है, ये आपका, ये आपके फियर्स है, ये आपके ट्रॉमास है, ये आपके इश्यूज है, इन्होंने आपको जकड़ा हुआ है, आप हील करो. इस तरीके की बहुत चीजें हुई होंगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा अपने बारे में इस साल, राइट? एंड स्पेशली इंटरनली, लाइक मेंटली आपने बहुत चीजें सीखी होगी अपनी लाइफ के अंदर, कि हाँ मेरे अंदर ये चीजें हैं, एक्सेप्ट करना, उस बारे में और समझना, आपको गाइडेंस आते जाना. ओके, आपको 222 नंबर बहुत दिखा होगा इस साल, आपको 1111 और 111 बहुत ज्यादा दिखा होगा इस साल, इवन 222 मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, आपको बार बार दिखा होगा, क्योंकि स्पिरिट गाइड आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए कोई है, यू आर नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड. एंड काफी लोग इस साल ऑलरेडी कुछ आप लोगों को रेवलेशन हुआ, लाइक आप जान गए हो कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप सोलमेट जर्नी में हो, या आप उस पार्टनर से मिल गए, या आप लोगों की शादी हो गई, समथिंग हैज हैपेंड यू नो रिलेटेड टू दिस थिंग ऑल्सो इन योर लाइफ, जहां पर आपको कुछ समझ आए अपनी लव लाइफ को भी लेकर. एंड यहाँ पर लोगों ने पास्ट को इस साल में, इस साल की एनर्जी बता रही हूँ, अपने काफी कुछ रिलीज किया होगा अपनी लाइफ के अंदर, पास्ट लोगों को, कार्मिक साइकिल्स को क्लोज करके आगे बढ़ना, इस तरीके की चीजें भी दिख रही है मुझे. बहुत लोगों के कार्मिक टाइज टूटे होंगे इस साल 2022 में. ओके, और बहुत सारे आपको नए डाउनलोड्स, विजडम, आइडियाज आए होंगे कि यू नो मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ऐसे करना है. और आप इवन अबाउट योर सेल्फ आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि यस, से आई हैव एन इनर चाइल्ड इशू, मुझे इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, या मुझे पास्ट लाइफ का कोई ट्रॉमा है, या मेरे को मेरे पितरों के ऊपर कोई दोष है, मेरी एंसेस्ट्रल लाइन में कोई कर्स है जो मुझे ठीक करना है, इस तरीके की चीजें आपने बहुत डीप चीजें सीखी होंगी, और वो आप तक एक इल्यूमिनेशन में आई होगी, वो आपको दिखाया गया होगा कि ये सिनारियो है, ये रियलिटी है, इस तरीके की चीजें आपको. बहुत लोगों के लिए मुझे इस साल आप लोगों के एक्सेस से, आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन आता हुआ भी दिखा है. यू नो आई एम रीडिंग द एनर्जी ऑफ 2022, तो कुछ बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है, जहां से आपको आगे बढ़ना पड़ा हो, कॉर्ड्स कट करनी पड़ी हो, यू नो कुछ चैप्टर्स क्लोज करके आगे बढ़ना पड़ा हो, बट टू एंड फ्रो, यू नो इस तरीके की चीजें भी दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए. ऑल राइट, चलिए अब देखते हैं दैट आपका जो 2023 है, वॉट इज गोइंग टू हैपन इन दैट. ओके,
बट आपने अपने फियर्स इस साल हील करे हैं, आपने रिलीज करी है काफी चीजें, आपने विजडम के थ्रू, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू आपको बताई गया, एंड यू वर्कड ऑन दैट इज व्हाट आई कैन सी फॉर यू, राइट? बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपके किसी से बातचीत भी चल रही है, किसी रोमांटिक पार्टनर से, एंड यू डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन एग्जैक्टली. आपको कुछ फियर्स भी है जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बट येस, बहुत लोग यहाँ पे कॉन्वर्जेशन में भी है रोमांटिक पार्टनर्स के साथ, आई कैन सी, ओके, या पोटेंशियल रोमांटिक पार्टनर्स के साथ. ऑलराइट, लेट्स सी आपका करियर कैसे होने वाला है इन 2023. ओवरऑल करियर एनर्जी क्या है मेरे ग्रुप नंबर 2 की? You have the 10 of Gabriel. All right. Oh my God. You have the Lovers. Very, very lucky cards on the love for you. Very, very strong chances. आप इस साल 2023 में, you know, finally उस person को मिल ले, मिल चुके हैं तो आपकी शादी हो जाए, आगे आप बढ़ो इस person के साथ, union में आओ, मुझे दिख रहा है, you know, एक relationship, एक stable स्टेबिलिटी आना लाइफ के अंदर, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग इज वॉट इज वेरी स्ट्रांगली इंडिकेटेड इन द कार्ड्स फॉर यू फॉर 2023. जैसे फाइनली वेकेशन पे जाना, थोड़ा टाइम ऑफ लेना, रोमांटिक पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना, और नॉट जस्ट एनी बडी, लाइक यू नो योर रोमांटिक पार्टनर, योर सोलमेट, योर ट्विन फ्लेम, योर हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट जो होती है उस चीज की मुझे एनर्जी दिख रही है. वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड वी हैव एस ऑफ कप्स. ऑलराइट, सो यहाँ पे करियर के लिए आप लोगों को, मेरे को दिख रहा है दैट यू नो काम होने वाला है, लोड होने वाला है आप लोगों के लिए, जैसे वर्क टाइम बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत बिजी स्केड्यूल्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए. कुछ लोगों के लिए मेरे को ये भी दिखा रहे हैं जैसे आप लोगों को एक आपका काम अच्छा है, राइट, बट आपको वहां पर रहने के लिए आपको जैसे किसी को प्लीज करना पड़े, या आपको किसी की बात सुन के एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम काम करना पड़े सो दैट आप अपने आप को प्रूव कर सको ज्यादा अच्छे तरीके से, ओके, जिसकी वजह से आप अपना रेस्ट, अपना स्लीपिंग आवर्स, अपनी रूटीन्स को भी ठीक से देखते नहीं, अपने आप को, अपनी हेल्थ को भी ठीक से देखते नहीं. थोड़ा सा ओवर वर्क, वर्कोहॉलिक सॉर्ट ऑफ एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए ज्यादा दिख रही है, कि बहुत सारे एफर्ट्स आप लोगों को यू नो डालने पड़ेंगे इन योर वर्क, एंड रेस्ट का टाइम थोड़ा कम मिलने वाला है, ओके. तो आपको ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है दैट द ओनली वे टू डू यू नो जो आप काम कर रहे हो, इस पहली चीज आप अपने दिल से काम करो, थोड़ा जो भी काम है, वॉट एवर यू आर डूइंग, ट्राई टू डू इट विद योर हार्ट एंड ट्राई टू डू इट इन अ न्यू वे, क्योंकि एक ही तरीके की रूटीन आपको आपको ड्राई बना देगी, आपको बहुत आपकी क्रिएटिविटी भी खत्म कर देगी, आपको नए आइडियाज भी नहीं आ पाएंगे, राइट, क्योंकि मुझे लैक ऑफ इंस्पिरेशन और लैक ऑफ क्रिएटिविटी आता हुआ दिख रहा है, एक ब्लॉकेज दिख रहा है आपके लिए आता हुआ. सो उस चीज से कैसे निकल सकते हो, चाहे आप एक शॉर्ट ब्रेक ले लो, 3-4 दिन के लिए कहीं चले जाओ, या फिर अपना माइंड बिल्कुल एक प्रोजेक्ट से हटा के आप दूसरी चीजें करो, सो दैट विल क्रिएट अ स्पेस फॉर यू टू स्टार्ट थिंकिंग अगेन, टू स्टार्ट गेटिंग दैट क्रिएटिविटी अगेन. आपने कभी नोटिस किया, आपको कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, आपको कोई काम करना है, अगर आप उसी चीज के पीछे भागते रहोगे ना, वेरी टायर्ड, तो आप कोई आइडियाज नहीं आएंगे और आप नहीं कर पाओगे. बट यही अगर आप अपने माइंड को बोलते हो कि मुझे इस चीज के बारे में नहीं सोचना है, मैं कुछ और करता हूं, अपनी एनर्जी कहीं और डालो, ऑटोमेटिकली थिंग्स गेट सॉर्टेड इन योर माइंड. इट इज जस्ट द वे योर माइंड वर्क्स, ओके. सो यू नीड टू डू दैट. आपके लिए गाइडेंस आ रहा है करियर में स्पेशली, कि आप अकेले सारे काम मत करो. मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आप लोग बहुत थक जाते हो, आप लोगों के घर के भी काम है या ऑफिस के भी काम है, दूसरे लोगों के भी, बहुत लोग आप पे काम डंप करते हो और आप करते जाते हो, और इस वजह से आपको रेस्ट का टाइम भी नहीं मिलता, आप अपना ध्यान भी नहीं रख पाते. आपको बोला जा रहा है दैट आस्क फॉर हेल्पफुल पीपल, अपने आसपास को लोगों को बोलिए कि आपकी मदद कीजिए, आपको सब कुछ अकेले नहीं करना है. और अगर आप लोगों को लग रहा है दैट देयर इज टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, यू नीड हेल्प, प्रे टू गॉड, दे विल सेंड एंजल्स टू हेल्प यू, और एंजल्स को बुलाइए. एंजल थेरेपी आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छी दिख रही है मुझे यहाँ पर हीलिंग के लिए, बिकॉज आपको किसी तरीके के फोर्स से वर्क करने की जरूरत है टू गेट एडिशनल हेल्प योर, ओके. और आप अपने दिल से कॉल आउट कर सकते हो, ये भी आप लोगों के लिए दिखाया जा रहा है. सो ओवरऑल करियर इज गोइंग टू बी बिजी, ओके, वो आप लोगों के लिए 2023 के लिए मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ओके. ओके, कैफीन फ्री. सो मैं आपका हेल्थ के लिए गाइडेंस पूछ रही थी इस ग्रुप के लिए, ओके, 2023 के लिए. सो आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज, ओके,
आपको यहाँ पे बोला जा रहा है दैट आपकी बॉडी की सर्टेन नीड्स है, आपकी वॉन्ट्स है, उसको आपको फुलफिल करना है. और यहाँ पे कैफीन फ्री का कार्ड आया है. ओके, सो कुछ लोगों को यहाँ पर बहुत सारी एडिक्शन है, यू नो, टूवर्ड्स किसी तरीके की एडिक्शन है आप लोगों को, यू नो, जैसे बार बार कॉफी पीना, बार बार चाय पीना, बार बार निकोटीन कंज्यूम करना, स्मोकिंग की या अल्कोहल की या सम सब्सटेंस दैट यू कीप कंज्यूमिंग अगेन. इट कुड बी अ लॉट ऑफ फूड ऑल्सो, ओवर ईटिंग. ओके, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है दैट यू हैव टू वो अटैचमेंट हटाने से, अटैचमेंट इज नॉट गुड. वो आप एक चीज, यू आर एंजॉइंग अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ टी या कुछ आप एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको जहां पता है ये चीज ओवर है और मेरी हेल्थ खराब हो रही है, वहां से आपको निकल जाना है. ओके, दैट केमिकल्स, किसी तरीके के केमिकल्स आप कंज्यूम कर रहे हो, या तो बहुत बाहर का खाना खाते हो, ओके, बाहर से कुछ बहुत कंज्यूम कर रहे हो, या यू नो समथिंग, यू नीड टू ब्रिंग अ डाइट्री चेंज इनटू योर लाइफ, आपको बोला जा रहा है. और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बॉडी में ही आपको फील हो जाएगा कि क्या मुझे जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, आपको डिहाइड्रेटेड एकदम फील होने लग जाए क्योंकि आप इनफ पानी नहीं पी रहे हो, या आपको एसिडिटी हो रही है तो आपको समझ आ रहा हो कि हाँ, माय बॉडी इज नॉट एबल टू टेक द फूड दैट आई एम ईटिंग, या आपको एकदम से कहीं पेन्स हो रही हो बॉडी में. आपकी बॉडी जैसे आपको बताएगी कि आई एम दिस, मेरे लिए ये चीज वर्कआउट नहीं हो रही है तो आई नीड समथिंग, लेकिन आप उसको आपको फुलफिल भी करना है, उस चीज को आपको नरिश करना है अपनी बॉडी को. ये मुझे आप लोगों के लिए हेल्थ के तौर पर गाइडेंस दिख रही है यहाँ पर. ओके, ओवर और आप लोगों की हेल्थ कैसे होने वाली है वो भी मैं देखूंगी यहाँ पर इन 2023. ऑल राइट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स. तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर हेल्थ. ओके, क्योंकि थोड़ी मेरे को लेजीनेस, थोड़ा सुस्त होना, थोड़ा एनर्जी डाउन होना, ड्रेन होना, वो तरीके की चीजें आप बार बार एक्सपीरियंस करोगे. सो यू नीड टू कीप योर एनर्जी हाई बिकॉज काम काफी होने वाला है, चीजें बहुत सारी चीजें आप लोगों को करनी है. राइट, यू हैव टू बी ऑन द गो, तो यू नीड टू डू दैट. ओके, ये लेस्ड आउट नहीं, यू नीड टू वर्क ऑन योर हेल्थ, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, नहीं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा. यू विल एक्सपीरियंस सर्टन इशूज, यू नो दैट आपको बहुत लेस्ड आउट फील होगा, बहुत थकावट फील होगी, पेन्स होगी आपकी बॉडी में, यू नो, एंड आपको मन करेगा बहुत ज्यादा, नींद बहुत ज्यादा आएगी, स्लीप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपका, एंड यू नो जो आपको आपको काम भी नहीं करने देगा, या आप कुछ, यू नो, यू विल नॉट बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड योर बेसिक डेली टास्क एज वेल. तो आपको यहाँ पे बोला that you need to work on this, ये addiction से बाहर निकले और अपनी health पे आपको work करने की actively जरूरत है. और यहाँ पे मुझे body movement भी दिख रहा है, you need to work on your body this year. okay, आपके लिए health के लिए ये guidance आ रहा है. चलिए और आप लोगों के लिए messages देखते हैं कि spiritual आपकी जो life है, spirituality इस साल 2023 में आप लोगों की कैसे होने वाली है. okay, all right, so group number 2. ओके, यू हैव इनफाइनाइट सप्लाई. मैं एक और कार्ड पिक करूंगी आपके लिए. ओ माई गॉड, फर्टिलिटी. ओके, सो दीज आर द एग्जैक्ट टू सेम कार्ड्स दैट केम इन द प्रीवियस ग्रुप. सो ओ माई गॉड, यू हैव गॉडेस काली एंड सरस्वती. माय माय, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये ग्रुप ज्वाइन किया है. आई कैन सी योर बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है आप लोगों के अंदर, बहुत स्पिरिचुअल विजडम है, और आप लोग गॉड गॉडेसेस से भी बहुत कनेक्ट करते होगे, उनकी उनकी एनर्जी से. सी वी हैव अ स्वान योर ऑल्सो, स्वान्स बहुत वाइब्रेंट दिख रही है. आप लोगों के लिए एक साइन हो सकता है ये, जब आपको आपकी लाइफ में आपका ये काउंटर पार्ट आए, आपकी लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल कोई ब्लेसिंग आने वाली है, तो आपको स्वान्स दिखने लग जाएंगी, आपको लोटसेस दिखने लग जाएंगे आपकी लाइफ के अंदर, ये आपको बोला जा रहा है. एंड काली माता इज प्रोटेक्टिंग यू. एक यहाँ पे मुझे प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा आप लोगों के ऊपर स्ट्रांग फील हो रही है, जो आपको गाइड कर रही है, कोई लाइट आपको गाइड कर रही है, जो सोर्स, जो आपके ऊपर बहुत ब्लू एनर्जी है, ब्लू, देयर समबडी इन ब्लू एनर्जी इज दैट इज वेरी वेरी डीपली कनेक्टेड टू यू एंड योर एनर्जी फील्ड. स्पेशली काली और शिव आर वेरी वेरी वाइब्रेंट योर, बट बहुत लोग यहाँ पे जैसे गणेश जी, सरस्वती माता, उन सब की भी पूजा करते हैं, उनसे भी बहुत कनेक्टेड है. आउल स्पिरिट आप लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता होगा. राइट, एंड यू आर अ वेरी डिवाइन बींग योर सेल्फ. लाइक आप में बहुत सोल विजडम है, आप एज में छोटे होगे, बट जो आपकी सोल की विजडम है ना, वो इतनी ज्यादा है क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है. आपकी आपकी सोल की जर्नी इस लाइफ टाइम की नहीं है. राइट, काफी आप इवॉल्व सोल हो, ओल्ड सोल हो, एंड काफी आपकी नॉलेज है, और आप मुझे किसी और
किसी और गैलेक्सी से भी दिख रहे हो. ओके सो मुझे बहुत आप लोगों को बहुत अगर इफ यू कनेक्ट टू दिस देन यू शुड लुक मोर इन टू इट. ओके आपको अगर पानी अट्रैक्ट करता है, अगर आपको एलियन स्टार सिस्टम्स अट्रैक्ट करते हैं, आपको नाइट स्काई बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स अट्रैक्ट करते हैं, आपको कोई एक और वॉर्टेक्स यूनिवर्स दिखता रहता है बार बार, पोर्टल्स दिखते रहते हैं, आपका मन करता है कि मैं सारा टाइम नाइट स्काई में गेज करता रहूं, ऊपर ऊपर जैसे यू नो आसमान में बहुत कुछ देखकर, यूनिवर्स में गैलेक्सीज के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, पानी मतलब गहराई, पानी की गहराइयों में क्या है, इस तरीके के आपको अगर क्वेश्चंस दिमाग में आते रहते हैं टाइम एंड अगेन, कुछ आंसर्स आपको ढूंढने की जरूरत है. यू नीड टू सी के यू बिलोंग टू विच यू नो गैलेक्टिक सेंस, कहाँ से आपकी सोल आ रही है, कहाँ से आप आए हो, आपको कुछ अपने रूट्स से करना है. देयर इज समथिंग टू गो बैक टू योर रूट्स जो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपको करने की जरूरत है. ओके ऑल राइट तो स्पिरिचुअल मैसेजेस कलेक्टिव के लिए मुझे सेम आ रहे हैं यहाँ पर. ओके बिकॉज आई लिटरली शफल्ड द कार्ड्स एंड गॉट द सेम मैसेजेस फॉर ग्रुप वन ऑल्सो. ओके यू हैव द थ्री ऑफ वांड्स And you have the six of cups. Yes, आपको इस साल ना आपकी soul को जब आप access करोगे तो आपके आकाशिक records बहुत vibrant होंगे, खुलेंगे. और मैं readings भी देती हूँ इस चीज के लिए. Like मुझे काफी लोग पूछते हैं कि क्या आप करते हो आकाशिक records के ऊपर reading. Yes, I do it. Okay. So उसके अंदर क्या होता है ना कि आपकी सोल की एक मेमोरी होती है, एक कलेक्शन होती है, राइट? आपकी सोल जितनी लाइफ जी होती है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में होती है. और जब हम अपने क्लाइंट को यू नो बताते हैं या वो डाउनलोड करते हैं, वो खुद समझते हैं कि उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या है, उस चीज को वो एक्सेस करके, डाउनलोड करके उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी आज की लाइफ पर. ओके एंड नॉट जस्ट दैट, अगर कोई ट्रॉमाज है, कोई ओल्ड वूंड्स है, उसको भी हील कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको इस लाइफ में भी होता है एंड येस इन द फ्यूचर एज वेल, राइट? तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने आएगी जैसे मुझे दिख रहा है. आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे, आप लोगों को एक पुल होएगा और आप यू नो यू विल फाइंड आउट अबाउट योर पास्ट लाइफ, अबाउट आकाशिक रिकॉर्ड्स, अबाउट कोई पास्ट लाइफ की मेमोरीज फ्लैश होना, कोई पास्ट लाइफ से पर्सन आ जाना, आपका सोलमेट ज्वाइन हो जाना, या आपकी कोई ओल्ड सोल रीइनकार्नेट होकर आपको इस लाइफ के अंदर गाइड करे, हेल्प करे, इस तरीके की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है. स्पिरिचुअली काफी एलिवेट करोगे आप इस साल. एंड रेस्ट दिख रहा है मुझे, इनर रिट्रीट्स दिख रहे हैं, रिट्रीट्स बहुत वाइब्रेंट होंगी इस साल आप करोगे. कहीं दूर भी जा सकते हो टू टेक अ स्पिरिचुअल रिट्रीट नियर द वॉटर, या कहीं फार ट्रेवल करके जहां पर आप रिलैक्स कर रहे हो, टेकिंग सम टाइम ऑफ, यू आर टेकिंग सम टाइम ऑफ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, गो डीप विद इन योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड हु यू ट्रूली आर. और वहां से आपको जैसे सोल इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हो रही है. इस ग्रुप को मरमेड्स बहुत अट्रैक्ट करती होंगी, फिशेज बहुत अट्रैक्ट करती होंगी, रैबिट्स आपको बार बार दिखते होंगे, डॉग्स आपको बहुत दिखते होंगे. इस तरीके की चीजें आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली आ रही है यहाँ पर. ओके यस फॉरेन ट्रैवल भी दिख रहा है आप लोगों के लिए, जैसे आप लोग बाहर जाओ, किसी यू नो किसी कुछ सीखने जाओ, या कोई कोर्स करने जाओ, या कुछ एक्सप्लोर करने जाओ. बट मेरे को एक फॉरेन ट्रैवल या दूर कहीं ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आप लोगों के लिए स्ट्रांग आ रही है यहां पर. ओके यस वेरी वेरी स्ट्रांग योर. और आपके अंदर ना जैसे लाइट कोड्स, एनर्जी कोड्स इस साल जो है वो चेंज होंगे. आप अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको कुछ पुल करेगा कि डीएनए हीलिंग क्या होती है, इस लाइट कोड एक्टिवेशन क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस जैसे आप अपने आप से पूछोगे एंड डीप जाओगे स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स. ओके और वहां से जैसे आपको बहुत कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नए डाउनलोड्स होने वाले हैं. ओके दैट इज द सॉर्ट ऑफ थिंग. एंड आपको बोला जा रहा है यहाँ पर दैट इफ यू हैव न्यू आइडियाज, इफ यू हैव यू नो एनी न्यू थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू बिगिन इन योर लाइफ, दिस इज अ वेरी गुड ईयर, वेरी फ्रूटफुल ईयर टू डू दैट फॉर यू. सही डायरेक्शन में जुड़ के जब आप काम करोगे वो चीज आपकी ग्रो होगी, वो फलेगी, राइट? उसमें ग्रोथ आएगी आपकी जिंदगी के अंदर, वो मुझे यहां पर दिखाया जा रहा है. सो प्लान योर फ्यूचर वाइजली एंड वर्क अपॉन इट एज वेल. ओके चलिए अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए लव मैसेजेस क्या है 2023 में.
लव के रिलेटेड आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है, राइट? मैरिज, पार्टनरशिप, यूनियन, लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी. ओके, ओ माय गॉड, यू हैव द लविंग मैन. आई एम सो हैप्पी बिकॉज मेरे को लास्ट ग्रुप में भी इतने अच्छे कार्ड्स आए, यू नो, कनेक्टेड टू लव लाइफ. एंड मुझे आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत ब्यूटिफुल चीज दिख रही है लव में. मैं एक और कार्ड पिक करना चाहूंगी आप लोगों के लिए एंड देन विल बी प्रोसीडिंग. ओके, फियर. ओके, फियर आपका दो बार यहाँ पर आ चुका है, सो डोंट लेट एनी फियर होल्ड यू बैक. ओके, यस, आपको स्टक नहीं रहना है. अगर आपको लगता है दैट आपकी पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट्स रही है लव को लेकर, यू नो, कहीं आप अटक गए हो, कुछ ऐसी चीजें हुई आपकी लाइफ के अंदर जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी लाइफ में ये पर्सन आपकी आंखों के सामने भी खड़ा हो जाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप फियर में फ्रीज हो जाओगे, राइट? तो डोंट डू दैट. आपको यहाँ पे बोला जा रहा है दैट आपके लिए सक्सेस इज वेटिंग, हैप्पीनेस इज वेटिंग. ओके, डोंट स्टे इन अ स्टक एनर्जी, मूव आउट ऑफ इट. अपने फियर्स को रिलीज कीजिए, डू अ बर्निंग बोल रिचुअल. ओके, कट कॉर्ड्स. आप लोगों के लिए कॉर्ड कटिंग बहुत आ रहा है, जैसे आपके अंदर डर बहुत भर रखा है, सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेक्रल चक्रा एज वेल. ओके, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, आई कैन हेल्प यू विद रेमेडीज एंड गाइडेंस. बट यहाँ पे जैसे आपको अपने डर से, भय से बाहर निकलने की जरूरत है, बिकॉज अ ब्यूटिफुल थिंग्स वेटिंग फॉर यू इन योर लाइफ, बट वो आ भी नहीं पाएंगे आपकी लाइफ के अंदर जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे. ओके, स्पेशली यहाँ पर किसी से कमिट करने के लिए, राइट? किसी को हाँ बोलने के लिए, किसी के साथ लाइफ बढ़ाने के लिए आप लोगों को बहुत डर लगता है, राइट? देयर इज एन अंडरलाइंग फियर दैट यू हैव. नाइन ऑफ कप्स. ओके, सो यहाँ पर यू नो, एक सेकंड मैं देखती हूँ आपकी लव लाइफ. ओके, यू हैव द एम्परर. यस, काफी लोग मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे आप लोग ग्रुप वन देखकर यहाँ पर आ रहे हो, यू नो, यू आर जॉइनिंग दैट. एंड यू हैव द टेन ऑफ कप्स विच इज ब्यूटिफुल. ओके, सो नाइन ऑफ कप्स एंड यू हैव द एम्परर, टेन ऑफ कप्स. आप लोगों के लिए जैसे आपकी डेस्टिनी में भगवान ने आपके लिए खुशियां लिखी है, आपके लिए विश फुलफिलमेंट लिखी है. आपकी इच्छा है मैं किसी के साथ रहूं, मुझे एक बहुत लविंग पार्टनर मिले, मुझे लव मिले, मुझे अप्रिसिएशन मिले, मुझे सपोर्ट मिले मेरी जिंदगी के अंदर. ओके, एक मेरे पार्टनर जो है मेरा ध्यान रखे, वो मुझे देखे, मैं उससे देखूं. आपको आपको बहुत एक डीप लव की एनर्जी वाइब्रेंट है आपके अंदर. आपकी एक इच्छा है जैसे मेरी शादी हो, मेरे लिए भी कोई पर्सन हो, मेरी फैमिली हो, ये तरीके की चीजें आपको फील होती है. बट आपको डर लगता है क्योंकि आपके पास्ट सर्कमस्टांसेस, आपके पास्ट इंस्टेंसेस, आपने दूसरे जब लोगों को देखा, उनकी स्टोरी सुनी, उनकी बातें सुनी, प्लस आप अपने कुछ फियर्स अपने पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे हो, दैट्स व्हाई आपको बोला जा रहा है दैट यू नीड टू डू इनर यू नो हीलिंग. आपको करने की जरूरत है कुछ, आपको आपको ऐसी गाइडेंस मिलेगी जिसको आप फॉलो करके इस इंसान तक पहुंच पाओगे, उस चीज को अपनी लाइफ में ला पाओगे और एक स्टेबल हैप्पी रिलेशनशिप क्रिएट कर पाओगे. क्योंकि काफी आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है दैट यू नो बियॉन्ड यू रिलीजिंग योर फियर, अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ अवेट्स यू. 2023 इज द ईयर जब आप बहुत सारे लोग ऐसे यू नो ये भी इनफैक्ट वीडियो देखकर अगर आप रिलीज करते हो, आप आगे बढ़ते हो, तो आपके आप लोगों के लिए यू नो दिस ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इज वेटिंग फॉर यू, अ फैमिली लाइफ इज वेटिंग फॉर यू. और काफी लोगों के लिए 2023 में मैनिफेस्ट होने वाला है आप लोगों के लिए, जब आपकी लाइफ में एक स्टेबल पार्टनरशिप दिख रही है, आपकी कोई इच्छा, आपकी कोई विश फुलफिल होती हुई दिख रही है, आपकी फैमिली बनती हुई दिख रही है, एंड एक बहुत सपोर्टिव एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड यू विल फाइंड योर पार्टनर एंड हैव अ हैप्पी मैरिज. सो येस, यूनियंस आर वेरी वेरी वेल इंडिकेटेड हियर. योर लव लाइफ असेंडिंग, यू मीटिंग योर पार्टनर एंड द पीपल हु मीट एंड आर मैरिड, यू नो, हैविंग किड्स टुगेदर, हैविंग अ फैमिली लाइफ टुगेदर, ग्रोइंग टुगेदर, हैविंग डॉग्स और ब्रिंगिंग अ न्यू डॉग, कुछ कुछ एडिशन आना, चीजें ग्रो करना, लेकिन आपको ये अपनी फियर की एनर्जी से बाहर निकलना है. ओके, कुछ लोगों के लिए मेरे को यहाँ पर आपकी सक्सेस के लिए भी दिखाया जा रहा है दैट आप लोगों की कोई विश है, आपकी कोई इच्छा है, वो डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है. आपको स्टेबिलिटी आ सकती है लाइफ के अंदर, आपका मनी जो है यू कैन गेट दैट. आप कोई आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो किसी तरीके की, आप लाइमलाइट में आके रिकॉग्नाइज होना चाह रहे हो, यू नो, वेर यू हैव दैट सोल सैटिस्फैक्शन कि फाइनली जो मुझे करना था वो मुझे मैंने कर लिया, फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया. ये एनर्जी आप कर सकते हो, बट यू नीड टू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दिस फियरफुल एनर्जी. ये दो एनर्जीज एक साथ प्ले आउट नहीं हो रही आप लोगों के लिए,
और वो नहीं हो भी पाएगी. सो आप खुद अपना ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हो, नोबडी एल्स. ओके, आप खुद अपना ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हो और आपको प्रोटेक्ट अपने आप को करने की यहाँ पे जरूरत है. मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक ईवल आए, नेगेटिव फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, थोड़ा ब्लैक मैजिक जैसी भी एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है और इससे आपको और बहुत ज्यादा चीजें यू नो ब्लॉकेज फील होती है, प्रॉब्लम्स फील होती है. लेकिन यहाँ पे काली भी आई हमारी, बिल्कुल सेंटर ऑफ द रीडिंग में काली माता इज योर. एंड अगेन आज भी मैं काली माँ से बात करी थी रीडिंग करने से पहले, एंड यू नो मैंने जब उनकी यहाँ पे कैंडल जलाई, सो शी मेड मी फील दैट शी इज प्रेजेंट योर. ओके, एंड मच मतलब मेरे को एक बहुत स्ट्रांग काली माता की प्रेजेंस यहाँ पर फील हुई रीडिंग करते हुए. सो शी इज प्रेजेंट योर, शी इज आर डिवाइन मदर. उनको उनको जाके आप बोल सकते हो कि मेरे अंदर की जो फियर है, मेरे अंदर की जो डार्कनेस है, उसको आप निकाले और काली माता खुद आपको क्लेंजिंग में हेल्प करेगी. बट यू नीड टू आस्क फॉर दैट इज वेल. ठीक है, ये आप लोगों के लिए एनर्जी आ रही है. एंड यस, जो चेंजेस आपको लाने वो लाने जरूरी है. उसके बाद आपकी ये चीजें मुझे फुलफिल होती हुई दिख रही है. एंड अगर आप ये वर्क करते हो, मुझे 2023 में बहुत सारे लोगों की यहाँ पर विश फुलफिल होते हुए दिख रही है. वॉट एवर इट इज अ डीप विश जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हो, यू नो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे घर दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवाइन आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन, आपकी शादी, आपके बच्चे, आपका ग्रोथ, करियर, सक्सेस, अबंडेंस, पैसे जनरेट करना, स्टेबिलिटी रखना अपनी लाइफ के अंदर, यू नो कुछ क्रिएट करना, प्रॉपर्टी लेना, यू नो इस तरीके की बहुत कोई आपकी विश फुलफिल होती हुई दिख रही है मुझे 2023 में. ओके, दैट इज द एनर्जी हियर. ऑलराइट, तो अब आप लोगों के लिए देख लेते हैं दैट आप लोगों की मास्टर एनर्जीज क्या है पूरे साल की. यू नो जो स्पिरिट गाइड्स हमें बताना चाहते हैं मास्टर एनर्जी फॉर 2023 फॉर यू. ओके, ओ माय गॉड, दैट इज अनबिलीवेबल. येन अगेन द सेम कार्ड केम इन ग्रुप नंबर वन. बहुत कलेक्टिव एनर्जी निकल कर आ रही है एंड आई कैन इवन सी people from group number वन are also repetitively joining group number टू. okay, so ऐसे messages निकल कर आ रहे हैं. we have building blocks here. okay, never mind, जो भी messages हमें spirit guides देना चाहते हैं वो ही हमारे तक पहुंचेंगे, right? चाहे हम जितना मर्जी cards shuffle कर ले, हम जो भी करें, it will always reach, what is meant to reach will reach us, right? so yes, I do believe in that. And, you know, taking the guidance from higher forces with a lot of gratitude in our heart. You have sacral chakra. Yes, aapke fears aapko heal karne mein aapko bol rahi thi. Sacral chakra pe aapko work karne. Remember I told you in the starting of the reading, that is exactly what's coming for you. Move. Bhai, shaadi to bahut logo ki hone wali hai 2023 mein. Because सब एक तरीके से अपनी वाइब्रेंट एनर्जीज में स्टेप इन हो रहे हो. काफी वर्क आप लोग कर चुके हैं, नाउ इज द टाइम टू गेट द रिजल्ट्स ऑफ दैट, राइट? तो काफी लाइफ आपकी जो है वो ग्रो होने वाली है. काफी आप खुद पे यू नो काफी वर्क आप कर चुके हो अपने ऊपर, एंड जो भी बाकी बचा कुचा काम है वो आप करते जाओगे. यू आर डूइंग इट, यू आर बिल्डिंग योर लाइफ वन बाय वन, यू आर सेटिंग योर साइट्स हायर इन 2023, एंड यू आर एम्ब्रेसिंग योर इनर नीड्स, योर लव, कि यस मैं इससे कम में नहीं सेटल होंगी, दिस इज व्हाट आई डिजर्व. यू आर क्लेमिंग योर ओन पर्सनल पावर विच इज गोइंग टू बी ब्रिंगिंग यू दिस पर्सन इन योर लाइफ फॉर अ लॉट ऑफ यू, फॉर मेजोरिटी ऑफ योर 2023 इज द ईयर व्हेन यू गाइज आर गोइंग टू मीट द पर्सन और गेट मैरिड. ठीक है, यूनियंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर बहुत सारे, बंधनों में बन जाना, साथ आना, यू नो सेलिब्रेशंस होना, ये आपको पार्टनर्स मिल जाना, आपको रेवलेशंस होना कि यस दिस इज द पर्सन, दिस इज द थिंग, ये है, ऐसी चीजें होना. ओके, ये आपको बोला जा रहा है. ऑलराइट, कुछ मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, 2222. अगर आपको कुछ भी ये नंबर्स दिखते हैं उनके मीनिंग्स ढूंढिए, उसको समझिए, उसको अप्लाई कीजिए गाइडेंस को अपनी लाइफ में. लोगों की यहाँ पे एज 28, 27 दिख रही है, 22 दिख रही है जो मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं इस टाइम पर. ओके, 30 भी दिख रही है यहाँ पर, 30, 40s में भी लोग आई कैन सी, और कुछ बहुत यंग लोग भी ये रीडिंग्स देख रहे हैं. सो डेफिनेटली देखिए, बट आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है, यू नो यहाँ सरस्वती माँ की भी प्रेजेंस थी, तो आप लोगों के लिए ज्यादा करियर एंड एजुकेशन रिलेटेड ये रीडिंग है. फिर उसको ऐसे आप अप्लाई करो कि येस यू कैन गेट द सक्सेस इन टू योर लाइफ. आप जो अचीव करना चाह रहे हो, वेदर दे आर गुड मार्क्स, वेदर दे आर गेटिंग इन टू अ गुड कॉलेज, गेटिंग अ गुड डिग्री, गेटिंग अ गुड जॉब, वो सब आपके लिए पॉसिबल है. बट अगेन, जो आपकी प्रॉब्लम है उस पर वर्क करने की जरूरत है. आपका लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है
तो वर्क करना, लेकिन काफी ब्लेसिंग्स आने वाली है इस साल आप लोगों की लाइफ के अंदर. ओके ओके, सो देखते हैं एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपको इस साल के लिए. कोई गाइडेंस देना चाहते हैं या आपको कोई चीज बताना चाहते हैं? लेट्स सी. ओके, Wondrous universe, wow, all right. Walk in beauty, आपको बोला जा रहा है. आप डिवाइन टीचर्स हीलर्स बन चुके हो. आपको सिर्फ बोला जा रहा है दैट यू नो आप बिल्कुल उस यूनिवर्स की एनर्जी पे, ब्रह्मांड की एनर्जी पे बिलीव कीजिए. सी वी हैव स्टेइंग फोकस्ड, सो होल्ड द कोर्स. आप जो करंट पाथ पे चल रहे हो वो पाथ आपके लिए बिल्कुल सही है. यू विल बी रीचिंग योर डेस्टिनेशन. सी Your light is shining brightly. आप बिल्कुल सही पाथ पे हो अपनी लाइफ के अंदर, सही जा रहे हो. आपको स्पिरिचुअल लीडर्स हीलर्स जैसे बना रहे यूनिवर्स, और आप वो 2023 में अपनी फुल ब्लूम अपनी फुल पावर में स्टेप इन करोगे. ओके, और आपको वहां पर भी आपको गाइडेंस कर दी जा रही है. होल्ड द कोर्स, यू नो देखते रहो अपने अपने गोल को, अपने एंड जो आप चाहते हो ना उसको एनविजन करते रहो, और उस चीज के लिए उस चीज के टुवर्ड्स अपने कदम बढ़ाते चलो, आगे बढ़ते चलो. जस्ट लाइक दिस वन ईयर शी इज गोइंग ऑन स्विमिंग, गोइंग ऑन स्विमिंग. ये नहीं सोच रही है कब यू नो एंड आएगा, कब ये होएगा. वो बस वो अपना कर्म कर रही है, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुली इल्यूमिनेटेड सन द बैकड्रॉप. बाकी जो चीज है वो रास्ता उसको बाहर से यूनिवर्स हेल्प कर रही है. आपके साथ भी कुछ ऐसे होने वाला है. ओके, यूनिवर्स आपकी डेफिनेटली मदद करेगी. जस्ट कीप गोइंग, वॉक इन ब्यूटी, वॉक इन ग्रेस. समझिए आप कौन है, आप क्या करने आए हैं. आप जो स्पिरिचुअल लीडर्स हो अपनी फुल पावर में स्टेप इन कीजिए. आप लीडर दिख रहे हो मुझे किसी सॉर्ट के, राइट? आप डेस्टिनेशन में पाथ में हो, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे, लेकिन एक वहां पहुंचाना वो यूनिवर्स का आपका काम है. उनकी गाइडेंस मानना आपका काम है, और आपको लीडर बनाना ये भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग से गाइडेंस से होगा. लेकिन आपका बनना वो आपकी डेस्टिनी है, वो आपकी डेस्टिनेशन है. ठीक है, वो आपके साथ होगा ही होगा. मुझे यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स दिखा रहे हैं. ऑलराइट, लेट मी सी और कोई एडिशनल आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन आती है तो. ओके, सो यस, मुझे 555 बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर दिख रही है. तो आप लोगों को बोला जा रहा है 2023 इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ चेंज फॉर यू. एक बहुत मेजर शिफ्ट आएगा आपकी जिंदगी के अंदर. ओके, यस, दैट इज द थिंग. इसके अलावा 10 कुछ खत्म होके दोबारा शुरू होना आपकी लाइफ के अंदर. सो आपको 10-10 दिखना, वंस एंड जीरोस के कॉम्बिनेशन दिखना, ऐसा यू नो आप लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे होगे अपनी लाइफ के अंदर. ओके, सो दैट इज द ओवरऑल रीडिंग एंड द मैसेज दैट इज कमिंग फॉर यू फॉर 2023. इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि आप पर्सनली भी रीडिंग लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, स्पिरिचुअल रेमेडीज लेना चाहते हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओनली कॉन्टैक्ट थ्रू दोज लिंक्स. ओके, सो दैट वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. कैसी लगे मुझे जरूर बताना. I will be reading all your comments in the comment section. And yes, wish you all a very, very happy and prosperous new year. I hope a lot of blessings, you know, come into your life this year. And jo bhi aapki dil ki ichha hai, wish hai, wo is saal puri hoye and Bhagwan aapko bless kare. So sending you a lot of love and light. I thank you all so very much for joining in this time. I will see you in my next video.